दोस्तों Xiaomi ने आज अपने दो नए स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च कर दिए हैं, जिसका नाम है Redmi 6 और Redmi 6A। कुछ दिन से दोस्तों इसकी लीक्स निकल रही थी, तो फाइनली ये फ़ोन जो है आज चाइना में लॉन्च हो गया है। और दोस्तों Redmi 6 और Redmi 6A जो है Redmi 5 और Redmi 5A का सक्सेसर होने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी अपग्रेड देखने को मिलेंगे। Redmi 6 में दोस्तों आपको डुअल कैमरा का फंक्शन देखने को मिलेगा। वहीं अगर Redmi 6A के बारे में दोस्तों बात करें तो Redmi 6A में आपको 18:9 की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो आज इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए और आज मैं आपसे बात करूंगा Redmi 6 और Redmi 6A के बारे में, और आपको बताऊंगा क्या कुछ फीचर्स के साथ ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, क्या प्राइस होने वाली है इंडिया में, और कब तक ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों Redmi 5 और Redmi 5A की तरह ये दोनों फ़ोन भी बजट स्मार्टफोन होने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले Redmi 6 के बारे में। Redmi 6 में दोस्तों आपको 5.45 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलेगी, 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। डिज़ाइन के बारे में दोस्तों बात करें तो इसका डिज़ाइन Redmi 5 के तरह ही है, लेकिन इसमें आपको डुअल कैमरा का फीचर्स देखने को मिलेगा पीछे की तरफ। दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे MediaTek का Helio P23 चिपसेट देखने को मिलेगा इस फोन में। और ये फोन आएगा दोस्तों दो वेरिएंट में, 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ और 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। साथ में दोस्तों आपको माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का भी स्लॉट देखने को मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलेगा पीछे की तरफ, और फ्रंट में दोस्तों आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। दोस्तों साथ में आपको फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में आपको MIUI 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पे ये रन करेगा, और बैटरी यहाँ पे आपको 3000 mAh की मिलने वाली है, जो कि Redmi 5 से कम है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले जो है थोड़ी Redmi 5 से कम है, इसी वजह से यहाँ पे जो है बैटरी शायद थोड़ी कम कर दी गई है। तो ओवरऑल दोस्तों एक अच्छा डिवाइस होने वाला है बजट में। और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 3GB 32GB की प्राइस होने वाली है 799 yuan चाइना में, और इसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 8400 के करीब होती है। वहीं अगर बात करते हैं 4GB 64GB की, उसकी प्राइस है 999 yuan चाइना में, जिसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 10500 के करीब होती है। जहां तक मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये फोन इंडिया में 7999 के स्टार्टिंग प्राइस के साथ लॉन्च हो सकता है, और 4GB 64GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको 9999 रुपए में देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं Redmi 6A के बारे में। तो इसमें भी आपको 5.45 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलेगा, 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ये फोन आता है दोस्तों MediaTek के Helio A22 चिपसेट के साथ। दोस्तों Xiaomi ने कहा है कि प्रोसेसर पे मेजर अपग्रेड हुआ है, और MediaTek का A22 चिपसेट जो है Snapdragon के 425 चिपसेट से ज्यादा पावरफुल है। वहीं अगर बात करते हैं कैमरा की दोस्तों, तो इसमें आपको सिंगल कैमरा मिलने वाला है, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। इसमें भी दोस्तों आपको 3000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर जो है देखने को नहीं मिलेगा। और ये आएगा दोस्तों 2GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ, और इसकी प्राइस दोस्तों रखी गई है 599 yuan, जिसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 6300 के करीब होती है। और जहां तक मुझे लग रहा है दोस्तों कि ये फोन इंडिया में 5999 रुपए के प्राइस में लॉन्च होगा। तो दोस्तों यही कुछ देखने को मिलता है आपको Redmi 6 और Redmi 6A में। दोस्तों फ़ोन जो है काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आपको अच्छे प्राइस में देखने को मिलते हैं। खास करके अगर हम बात करें Redmi 6 के बारे में, तो वहाँ पे आपको Redmi 5 से काफ़ी अपग्रेड देखने को मिलेंगे, और प्राइस जो है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसके अलावा अगर हम बात करें Redmi 6A के बारे में, तो वो भी Redmi 5A से काफ़ी अपग्रेडेड है। अगस्त से लेकर सितंबर तक ये फ़ोन हम लोग को देखने को मिल सकता है इंडिया में। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये दोनों फ़ोन जो है आपको कैसे लगे, और क्या प्राइस लगता है आपको कि सही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए।